हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति दोषनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। वेडिंग का सीजन शुरू हो गया और आप लोगों के मैसेजेस नहीं रुक रहे हैं। मैडम रिंग प्लेटर बनाना सिखाइए, मेहंदी प्लेटर बनाना सिखाइए, वेडिंग में जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो बनाना सिखाइए। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम हल्दी प्लेटर बनाना सीखेंगे। बहुत बेसिक सा डिज़ाइन है और यही बेसिक डिज़ाइन से आने वाले वीडियोज़ में हम और भी दूसरे डिज़ाइंस बनाएंगे। कुछ जो डिज़ाइन है बहुत सिंपल है, लाइक अगर आपको उसकी फ़ोटो दिखाई जाए तो आई एम श्योर आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं अभी तक तो कि आप फ़ोटो देख के भी उसे कॉपी कर लेंगे। लेकिन बहुत सी लेडीज़ है जिनको DIY किट चाहिए। कुछ लोगों को आइडिया नहीं लगता है कि इसके लिए कितना हम सामान यूज़ करें, कहीं कम पड़ जाता है, कहीं एक्स्ट्रा हो जाता है। तो DIY किट की यही खूबसूरती है कि आपको कुछ कम नहीं पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है। तो आज के वीडियो से और आने वाले वीडियो वेडिंग से रिलेटेड हम बनाएंगे। फोटोज़ आप शेयर करते रहिए, आपको क्या सीखना है मैं ट्राई करूँगी, जितना हो सके अपलोड करने की कोशिश करूँगी, जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके। और आप में से जो लोग नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट्स के लिए। और जो रेगुलर आप लोग हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में ये हल्दी प्लेटर हम बनाना सीखेंगे। एक बाउल भी रख सकते हैं, चार भी रख सकते हैं। इसके लिए देखिए, ये 8 इंचेस का MDF का बोर्ड है, ये हमें लेना है। येलो कलर का ये वेलवेट मैंने यहाँ पर लिया है। आप कोई भी येलो कलर का फैब्रिक ले सकते हैं जिसमें थोड़ी डिज़ाइन हो, जिसके थ्रेड्स ना निकलते हो। इस तरह से किनारे पर हम ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ग्लू कुछ दिखता है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, इस एरिया को हम कवर कर देंगे। तो इस तरह से किनारे किनारे पर ग्लू लगाकर देखिए, सिलवटें हम पूरी तरह से निकाल रहे हैं। जो फैब्रिक में बीच में सिलवटें रह जाती है वो हमें निकालनी है। और अच्छी तरह से देखिए, इस तरह से इसे हमें चिपकाना है। तो ये जो है, पार्ट पार्ट में हमने ग्लू लगाया, एक साथ नहीं लगाया है, और इसे चिपका लिया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, इसका जो बैक साइड है वो ऐसा है। तो एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से, सीजर से। बहुत फिनिशिंग से कट होना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये किनारे को हम कवर कर देंगे। तो ये पीस हमारे पास बचता है। उसके बाद ये गोटा के फ्लावर्स हैं, ये हमें यहाँ पर किनारे किनारे पर चिपकाने हैं। हाफ जो है हम बेस के ऊपर रखेंगे और हाफ जो है ये बाहर निकले हुए रहेंगे। इस तरह से ग्लू लगाकर और इन्हें हम यहाँ पर चिपका लेंगे। तो इसी तरह से जो है पूरे सर्कल पे हमें ये सारे फ्लावर्स लगाने हैं। ग्लू से अच्छे से चिपक जाते हैं। ग्लू नहीं हो तो फेविकॉल आप यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये हमने पूरा इसे कवर कर लिया। उसके बाद चूंकि येलो हमारा फैब्रिक है, यहाँ पर येलो पॉम पॉम्स है, एक रेड एक येलो ऐसे भी हम लगा सकते हैं। चूंकि हल्दी के लिए हम इसे बना रहे हैं तो येलो ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कलर, प्रॉपर जो है उसका लुक आए। तो इसके लिए यहाँ पर फ्लावर्स के बीच बीच में हमने ये येलो पॉम पॉम्स लगा दिए हैं। उसके बाद ये एक दिया है, आप चाहे तो स्टील का बाउल ले सकते हैं। इसे मैंने कलर कर दिया, बैक साइड में भी कलर करना है, यहाँ पर छूट गया है। और यहाँ पर ये जो दिया है इसका कॉर्नर, यहाँ पर हम ये लेस लगा देंगे। इस तरह के चार दियाज हम रेडी कर रहे हैं। आप चाहे तो सेंटर में एक भी रख सकते हैं, नहीं तो चार दिया भी जो है 8 इंचेस के डायमीटर में आराम से आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है एजेस इसके हम ये लेस लगा देंगे। कोई भी गोल्डन कलर की झालर लेस या गिन्नी की लेस, किसी तरह की लेस भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है, जहाँ पर जॉइंट आ रहा है वहाँ पर हम एक पोम पोम लगा देंगे। इसे इस तरह से सेंटर में इसके नीचे गोटा का पेच रखेंगे। अगर एक दीपक हम रख रहे हैं तो इस तरह से इसे हम रखेंगे, और अगर ज़्यादा रखने हैं तो इस तरह से देखिए, 4 जो है इसमें ये बाउल्स आप बोल सकते हैं वो आ जाएंगे। और अगर सिंगल रखना हो तो सिंगल इस तरह से सेंटर में हम रख सकते हैं। इसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नीचे का जो प्लेटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।